नमस्ते जी। एक बार एक मालिक कहीं बाहर जा रहे होते, तब वो अपने 3 सेवकों को बुलाकर उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें कुछ कुछ धन देते हैं। पहले को 5 बैग भर के सोना देते हैं, दूसरे को 2 बैग भर के सोना देते हैं और तीसरे को 1 ही बैग भर के सोना देते हैं। फिर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो पहले 2 सेवक होते हैं वो उस थोड़े से सोने को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर लेते हैं, और जो तीसरा सेवक होता है वो उस 1 बैग सोने को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो उसको अपने घर में कहीं पर गड्ढा खोदकर छुपा लेता है। जब मालिक वापस आते हैं तो सब हिसाब लेते हैं, तो वो पहले और दूसरे सेवक से जिन्होंने अपने उस थोड़े से धन को डबल कर लिया था उनसे खुश होते हैं, और उस तीसरे सेवक से बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, और फिर उससे वो 1 बैग सोना भी वापस लेकर जिसने उसको 10 बैग सोना कर लिया था उनको दे देते हैं। तो इस बात से हम यही सीखते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, उसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे वो हमारा नॉलेज हो, चाहे हमारी पोटेंशियल हो, हमारी कैपेबिलिटी हो, या फिर हमारा टाइम हो, हमें इन सब चीजों को अगर हम परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें जरूर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो हमसे ले लिया जाएगा। तो इसीलिए चॉइस आप पर है। यूज इट और लूज इट। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।